आज का टॉपिक है हमारा वर्नर सिद्धांत, जो कोऑर्डिनेशन अमाउंट के अंतर्गत आता है। ये वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत के अनुसार उपसंय संयोजी यौगिकों के रसायन में वर्नर का स्थान इस विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसके साथ में अल्बर्ट वर्नर जो स्विस रसायनज्ञ थे और उपसंय संयोजी यौगिकों के महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें 1953 नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सन 1892 में वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया भिन्न भिन्न अनुपात में क्रिया कराकर संकुलों का निर्माण किया था। जैसे यह यौगिक COCl3.6 अमोनिया, इसका नारंगी पीला रंग था, फिर COCl3.5 अमोनिया 1 जल गुलाबी, COCl3.5 अमोनिया बैंगनी, COCl3.4 अमोनिया हरा बैंगनी, COCl3.3 अमोनिया नीला रंग। यौगिकों में जो 4 वाला पॉइंट है COCl3.4 अमोनिया के दो ज्यामितियाँ समावी होते हैं, अतः ये भिन्न भिन्न रंगों में प्राप्त होता है। इन परीक्षणों के आधार पर वर्नर ने संकुलों के संदर्भ में अपना जो सिद्धांत दिया था वो निम्न प्रकार से। पहला पॉइंट इसका, धातुओं के बंध या सहसंयोजी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीय। प्राथमिक संयोजी आयनिक प्रकार की होती है, जबकि द्वितीय जैसे लगता है वो अनायनिक, नॉन आयनाइजिंग अथवा सहसंयोजी दोनों प्रकार की हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीय संयोजकता ऋणायनों अथवा उदासीन अणु दोनों के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। किसी धातु के लिए द्वितीय संयोजकता का मान निश्चित होता है। किसी धातु की प्राथमिक संयोजकता से केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीजन रंग की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पाँचवा, एक ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक अथवा द्वितीय अथवा दोनों प्रकार से संतुष्ट कर सकता है। इन नियमों के आधार पर वर्नर ने यह सिद्धांत दिया था। यहाँ देख रहे हैं अपन COCl3.6 अमोनिया, तो तीनों जो 6 अमोनिया इसमें डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, 3 जो क्लोरीन है डॉटेड लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये देख रहे हैं, सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में। लास्ट वाला देखते हैं इसके बाद में, जो COCl3 और अमोनिया, तो ये डॉटेड लाइन और डार्क लाइन से अमोनिया जुड़ा है। अमोनिया जितने भी जुड़े हुए हैं वो डार्क लाइन जुड़ा हुआ है, जबकि क्लोराइड डॉटेड लाइन और डार्क लाइन से। तो इन सिस्टम में टूटी हुई जो रेखा है प्राथमिक से प्लस करती है, जबकि ठोस रेखा जो है वो द्वितीय से प्लस करती है। तो वर्नर ने निष्कर्ष निकाला, उसका प्रयोग सत्यापन की। इसके आधार पर आयनिक अभिक्रियाएं, जैसे आयनिक अभिक्रिया कोबाल्ट संकुलों में प्राथमिक संयोजकता के जुड़े परमाणु या समूह आयनिक प्रकृति के होते हैं, तो ये आयनिक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। उपयुक्त कोबाल्ट संकुलों में पहला संकुल COCl3.6 अमोनिया AgNO के साथ क्रिया कराते हैं, तो 3 मोल AgCl3 देता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो क्लोराइड है उसमें तीनों क्लोराइड प्राथमिक संयोजकता में जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, तो उसमें देखा हमने कि क्लोराइड बाहर हैं तीनों और 3 चार्ज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जुड़ा हुआ है जो अमोनिया के साथ में। तो इस प्रकार ही COCl3.5 अमोनिया को जब AgNO3 से डाला तो 2 मोल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार फिर आगे हमने COCl3.4 अमोनिया डाला तो एक ही AgCl अवश्य प्राप्त हुआ सफ़ेद कलर का। तो इसमें पता चला कि यहाँ पर एक ही क्लोराइड से प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 क्लोराइड होते प्राथमिक दोनों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन संकुलों की हमने रचना की तो ये प्राप्त होता है। अब दूसरा पॉइंट है, हिमांक के अवलोकन और चालकता प्रयोगों के संयुक्त निष्कर्षण भी वर्नर सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। हिमांक में अवनमन के प्रयोग पदार्थों के कणों की संख्या ज्ञात हो सकती है, जबकि चालकता कंडक्टिविटी के प्रयोगों से आवेशों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया के संकुलों के हिमांक से अवनमन चालकता प्रयोगों के परिणाम सारणी 1 में दिए जा सकते हैं, सरलता निर्धारण किया जा सकता है सारणी में। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर यह अवनमन आवेश है, ये सब है। तो वर्नर सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने संकुल या उत्सर्जक आयन या अणु की निश्चित आकृति भी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर समस्त लिगेंड एक निश्चित आकृति में होते हैं, इसी कारण से उत्सर्जक यौगिकों में त्रिमीय समावयवता पाई जाती है। एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संख्या 6 वाले यौगिक अष्टफलकीय की संरचना पाए जाते हैं, जबकि 4 वाले यौगिक या तो वर्ग समतलीय होंगे या चतुर्भुज संरचना होंगे। इस प्रकार से वर्नर सिद्धांत ने उत्सर्जक यौगिकों के लिए आधारभूत सिद्धांत मान सकते हैं, और इसलिए वर्नर ने उत्सर्जक रसायन के पिता कहा गया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा। धन्यवाद।